नमस्ते। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू इम्प्रूव सेक्स लाइफ। यह वीडियो पुरुषों के लिए है। पुरुषों में अगर यौन इच्छा का कम होना, उनके इरेक्टाइल डिसफंक्शन, सेक्स लाइफ डिस्टर्बेंस होना, फिमोसिस या आपके जेनिटल ऑर्गन पे एनर्जी लेस होना, जब भी हम बात करते हैं सेक्स लाइफ की तो सबसे पहले बात आती है जेनिटल ऑर्गन की। जेनिटल ऑर्गन में जितना एनर्जी बेटर होगा आपकी सेक्स लाइफ उतनी, सेक्स ड्राइव उतनी बेटर होगी। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट जेनिटल ऑर्गन, आपकी लाइफस्टाइल, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आप क्या क्या फूड कंज्यूम करते हैं, हाउ लाइक वेदर यू आर कंटिन्यूसली मास्टरबेशन पे हैं या फिर आप स्टेरॉइड पे हैं, टेस्टोस्टेरोन कम है, स्मोकिंग है और एल्कोहल कंजप्शन है, देखिए ये सारी चीज़ आपको इफेक्ट करेगा। आज मैं सिर्फ और सिर्फ पांच आसन के बारे में बात करूंगा, मैं और दूसरी चीज़ें जैसे शिलाजीत हो गई, गोक्षुरा हो गया, इसके विषय में बात नहीं करूंगा। ये एक विस्तृत जानकारी मैं किसी और दूसरे वीडियो में बता दूंगा। अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर यही कहेंगे कि आपको कीगल एक्सरसाइज करने पड़ते हैं। अब डॉक्टर आजकल तो खुद कीगल एक्सरसाइज करके बता रहे हैं, जिसे हम योगा में मूलबंध कहते हैं, और मूलबंध जो है वो काफ़ी पुराने जमाने से है, पुराने समय से है। तो कीगल एक्सरसाइज ये मॉडर्न साइंस का नया एक जो भी है इजाद है, बट आजकल तो भाई डॉक्टर भी यही कह रहे हैं कि वो कीगल एक्सरसाइज करके बता रहे हैं। तो लेट इट बी, हमारा जो काम है वो हम करके बताते हैं। आप योग के सानिध्य में आएंगे तो योग के पास इसका पूरा इलाज है, बहुत ही अच्छा इलाज है लाइफस्टाइल चेंजेस का। आप जब मूलबंध या कीगल एक्सरसाइज करते हैं वो पाँच आसन, और ये पाँच आसन मैं सिर्फ आपको बताऊँगा आपको करने हैं। इन पाँच आसन को करेंगे आपको 10 मिनट लगेगा, आपको मॉर्निंग में करना है और इवनिंग में करना है। 10-10 मिनट आपको देना है और आप पाएंगे कि सिर्फ 15 से 30 दिनों के अंदर में आपके शरीर में चेंजेस होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन साथ में साथ आपको लाइफस्टाइल चेंजेस भी लाना है। अगर आप स्मोकिंग पे हैं, मास्टरबेशन कर रहे हैं, अल्कोहल कंजप्शन कर रहे हैं, स्टेरॉइड पे हैं, आप इन सब चीज़ों को हटाइए, दूर करिए और वापस इन चीज़ों पर, लाइफस्टाइल पे, अपने फूड पे, अपने स्लीप पे, एक्सरसाइज पे, और ये पांच आसन जो मैं बता रहा हूँ ये तो पर्टिकुलर आपको करना ही करना है। जब हम कीगल एक्सरसाइज की बात करते हैं तो कीगल एक्सरसाइज है क्या? अब हम अपने मूल बंध, जिसको हम जेनिटाइल ऑर्गन कहते हैं, उसको हम लिफ्ट करते हैं ऊपर की तरफ। सो फॉर एग्जांपल, जस्ट लाइक आप आराम से बैठेंगे कंफर्टेबली और अपने जेनिटाइल ऑर्गन को स्क्वीज करेंगे ऊपर की तरफ। मैं एक वीडियो में आपको दिखा दूंगा कि किस पार्ट को आप स्क्वीज कर रहे हैं ऊपर की तरफ। इस तरह से आपको होल्ड करके रखना है। आपका जेनिटाइल ऑर्गन एनस, जिसको गुदा द्वार कहते हैं, ये है। आपने इसको ऊपर की तरफ खींच के रखा, कॉन्ट्रैक्ट किया, ये आपका हो गया मूलबंध। अब जब आप कॉन्ट्रैक्ट करके रहते हैं और वो आसन होल्ड करते हैं, वहाँ से शक्ति का प्रवाह होता है। ये बहुत ही गहरी और डीप साइंस है। अगर आप किसी भी योगा टीचर या योगा प्रैक्टिस में हैं तो उनसे यही कहा जाता है कि आप मूलबंध का इस्तेमाल कीजिए। मूलबंध क्या है? मूलबंध सोर्स ऑफ एनर्जी है। कहाँ से? मूल जो हमारा मूलबंध होता है वो सबसे जो रूट चक्र होता है वहाँ से वो एनर्जी ऊपर की तरफ जाती है। अगर आपको याद होगा, या जब अंगद को भेजा जाता है रावण से मिलने के लिए, जब वो अपना पैर सामने टिकाता है तो वीरभद्र आसन की स्थिति पे रखते हुए मूलबंध लगाता है, तो ही जनरेट द पावर। मूलबंध इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, इससे बहुत ही ज़्यादा पावर जनरेट होती है। और वो लगाया जाता है आपके गुदादार को कॉन्ट्रैक्ट करके, थोड़ा ऊपर उसको खींच के। तो ये प्रक्रिया हमको करनी है इन पांच आसनों में 2 मिनट के लिए, और आपको इसको सुबह भी करना है, शाम को भी करना है, तब जाकर आपको इसका लाभ मिलेगा, वरना आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो चलिए सीधा हम आसन की तरफ चलते हैं और वो पांच आसन मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन से आसन है। नाउ इस स्थिति में हम बैठेंगे सेतु बंध आसन के लिए, जिसे ब्रिज पोज कहा जाता है, और इसी में हम मूलबंध का इस्तेमाल करेंगे, तब जाके वो एनर्जी जो है वो एक्टिवेट होगा। ये देखिए, धीरे से अपने कमर को उठाया ऊपर की तरफ इस तरह से, बस कंफर्टेबली आपको यहां रहना है। अब इस स्थिति में क्या करेंगे हम, अपने जो गुदा द्वार है, जो एनस, जो जेनिटाइल ऑर्गन है, उसको अंदर की तरफ खींच के रखा, वो मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन आप उसके बारे में विस्तृत जानकारी लेके उसको कॉन्ट्रैक्ट करके होल्ड करके रखिए। बस ये इस स्थिति में हम रहेंगे 2 मिनट तक। कई बार ऐसा होगा कि आपका जेनिटल ऑर्गन छूटेगा, फिर आएगा, छूटेगा, प्रैक्टिस करते रहिए, होल्ड करके रखिए। लेकिन सांसों को होल्ड नहीं करना है, सांस आपकी नॉर्मल गति से बनी रहे, दैट्स इट। इस हाथ को चाहे तो इंटरलॉक भी कर सकते हैं इस तरह से, बट याद रहे 2 मिनट, आपको 2 मिनट तक होल्ड करके रखना है। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा ऊपर कर दिया, जितना कंफर्ट है वहीं तक।
देखिए, मैंने अपने जेनिटल ऑर्गन को स्क्वीज करके मूलबंध की स्थिति में हूं मैं यहां पे। और मेरे जो सहपाठी हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि जब वो 2 मिनट हो जाए तो मुझे सूचित कर दें ताकि मैं 2 मिनट के बाद नीचे आ जाऊं। देखिए, अब धीरे से हम नीचे आ जाएंगे। अब जो आसन है वो है भुजंगासन। भुजंगासन में हम क्या करेंगे, दोनों पाम को अगल बगल चेस्ट के रख दिया, पैरों को फैला के, यह भी 2 मिनट। देखिए, सांस लेते हुए बस जितना कंफर्टेबल है उतना। फिर से यहीं पर मूलबंध अपने जेनिटल ऑर्गन को होल्ड करके अंदर की तरफ स्क्वीज करके सांसों का नॉर्मल गति से लेना देना जारी रखें। ये वो आसन है जो आपके पैल्विक रीजन पे एनर्जी, रक्त का प्रवाह बढ़ाएगा। दो मिनट के लिए देखिए, मैं सांस जो है वो नॉर्मल गति से लेना छोड़ना रखा हूँ। 2 मिनट के लिए मैंने इस स्थिति पर रखा है। बहुत ज़्यादा ऊपर ना करें, शोल्डर कानों के नीचे रखें, जस्ट यही इसी स्थिति पे बने रहें। और जब 2 मिनट हो, धीरे से वापस आके दोनों हाथों को इस तरह से रख के रिलैक्स करें। अब जो आसन करेंगे वो है शलभासन। देखिए, दोनों हाथों को इस तरह से बगल में रखा, हेड को आप अपने फ्लोर पे दबा के रखें, दोनों पैरों को जोड़ के इस तरह से ऊपर उठा लें। ये महत्वपूर्ण आसन है जिसे हम शलभासन कहते हैं। फिर से वही जेनिटाइल को अपने स्क्वीज करके मूलबंध, या आप कीगल एक्सरसाइज भी कह सकते हैं, जो भी है, लेकिन योग में इसे मूलबंध कहा जाता है। और आप मूलबंध का इस्तेमाल करिए, स्क्वीज योर जेनिटल ऑर्गन इन नॉर्मल, यहाँ पर रहे 2 मिनट के लिए, तब जाकर आपको इसका लाभ मिलेगा। आप जितने कंफर्ट है, पैर को चाहे तो और ऊपर भी उठा सकते हैं, बट जितना कंफर्ट में है उतने ही रहें, क्योंकि हम 2 मिनट के लिए होल्ड करेंगे इस आसन को।
आपका पैर जो है वो घुटने से उठा हुआ है, घुटना जमीन पे ना रखें, दोनों पैरों को जोड़ के रखें। और फिर धीरे से 2 मिनट पे नीचे आ जाए, फिर से रिलैक्स करें। इस स्थिति में आप अपने हेड को चाहे ऐसा भी कर सकते हैं, जैसा भी हो। चलिए, जो नेक्स्ट आसन है उसे हम कहते हैं नवासन, बोट पोज। इस तरह दोनों पैरों को बेंड कर लिया, धीरे से दोनों पैरों को उठा के दोनों हाथों को यहाँ पे रखें। फिर से वही जेनिटल ऑर्गन लिफ्ट अप, मूल बंद। आप चाहें तो पैरों को सीधा भी कर सकते हैं, बट आपके ऊपर है। मैं चाहूँगा इसी स्थिति पे बने रहे। नाभि प्रदेश जो होता है वो स्ट्रांग होगा, कोर स्ट्रांग होगा। स्पाइन को इस तरह से रखें, जिनको प्रॉब्लम है वो इस तरह से भी होल्ड करके रख सकते हैं। ये देखिए, बड़ा आराम से। तो इससे आप 2 मिनट तक रुक जाएंगे। ये देखिए, ऊपर की तरफ थोड़ा सा देखने लगा, जेनिटल ऑर्गन को ऊपर करके होल्ड करके रखा। और हाँ, थोड़ी अगर चैलेंज देना है आपको तो इस, जो भी आपको कंफर्टेबल है वहाँ पे रहिए, चाहे पैर को सीधा करके रखिए या फिर इस तरह से। इस स्थिति में अगर आप 1 मिनट भी रहते हैं बहुत लाभदायक है। धीरे से मैं नीचे आ जाऊंगा। अब मुझसे जितना देर हुआ मैं उतना देर कर पाया। चलिए, अब हम करेंगे विपरीत करनी आसन। ये जो पांचवा आसन है, इसमें क्या करते हैं, हम दीवार के सारे पैरों को यहाँ पर ले जाके टिका देते हैं और फिर उस स्थिति में मिनिमम 7 to 10 मिनट्स हम उस स्थिति पे बने रहते हैं, तब जाकर हमको इसका लाभ मिलता है। करना क्या है, आप इस दीवार पे सिर्फ जाइए बगल में इस तरह से और दोनों पैरों को धीरे से दीवार की तरफ रखा और आप लेट गए इस तरह से, पूरा कंफर्टेबल। ये देखिए, और इस स्थिति पे बने रहें। जितने आराम तरीके से आप यहाँ पे रहेंगे उतनी ही आपको उसका लाभ मिलेगा। विपरीत करनी आसन, इसके बहुत सारे थेरेपेटिक बेनिफिट हैं। रक्त का प्रवाह आपके जेनिटल ऑर्गन पे होता है, यहाँ पे चाहे तो मूल बंध का इस्तेमाल करके आप रुक सकते हैं या फिर बिना मूल बंध के भी इस स्थिति में आप रख सकते हैं। हम इस स्थिति में 7 to 10 मिनट्स के लिए रहेंगे। जब आप कुछ देर इस स्थिति में बन जाए फिर वापस मिनिमम 10 मिनट्स मैं कहूँगा इस स्थिति में बने रहें और अपने पैरों को धीरे से बैंड करें, टर्न करें अपनी बॉडी को लेफ्ट राइट किसी भी एक दिशा में और फिर सिटिंग पोस्चर पे आ जाए। तो ये रहा आपका 5 सीक्वेंस योगा का, जिसे अगर आप नियमित रूप से 15 दिन भी करते हैं तो आप पाएंगे कि बहुत सारे चेंजेस आपके शरीर में आएगा, चाहे वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो, यौन संबंध की इच्छा शक्ति कम हो या उसकी कमी हो, आपकी लिबिडो लेस लिबिडो हो। ये आसन इतना पावरफुल है क्योंकि आपका जो ब्लड फ्लो है वो अपान वायु टूवर्स दी जेनिटाइल ऑर्गन होता है और इससे आपको बहुत ही फायदा होता है। फ़ायदा क्या होता है, इसमें आपके अपान वायु एक्टिवेट होते हैं, आपके जेनिटल ऑर्गन पे ब्लड फ्लो होता है, ऑक्सीजन लेवल का ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है। तो जो आप कीगल एक्सरसाइज जिसे हम मूल बंध कहते हैं उसे आप करेंगे और आसन को साथ कॉम्बिनेशन के साथ करेंगे, तब जाकर आपको इसका लाभ मिलेगा। आपको रोज करना है, सुबह से शाम तक, सुबह भी करना है शाम को भी करना है। सुबह एक बार करिए, शाम को एक बार करिए, ये हार्डली आपको 10 से 15 मिनट लगेगा।
इसके साथ लाइफस्टाइल का फॉलो करना बहुत अति आवश्यक है। अगर आपको शीघ्र पतन है, मास्टरबेशन की आदत है, आप पॉर्न वॉच करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, आप समझिए कि आप उस धातु को, एनर्जी को लॉस कर रहे हैं। और वो धातु एनर्जी तभी आप एक्टिवेट कर पाएंगे जब आप आसन का, नियमित दिनचर्या का, लाइफस्टाइल का, ब्रह्मचर्य का फॉलो करोगे। आप अपनी एक्टिविटी को इतना स्ट्रांग कर लीजिए कि वो एनर्जी आपके अंदर से बढ़ती जाएगी, तब जाकर आपको इसका लाभ मिलेगा। फिर से मैं कहूँगा कि अगर आप एडिक्टेड हैं स्मोकिंग के, आप अल्कोहल के, ये सब चीज़ें आपकी धातु को छड़ करेगी, आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होगा, जिससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर मैं कहूँ कि ये 5 आसन करें और बाकी टाइम आप स्मोकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल कंजप्शन कर रहे हैं, मास्टरबेशन कर रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको फूड भी वैसे ही आपको ऐड करने पड़ेंगे, प्रॉपरली होम मेड कुकड फूड, अच्छे खाने जिसमें आपके प्रॉपर प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो और आपके मिनरल्स हो, वाइटामिन्स हो, तब जाकर आपको इसका लाभ मिलेगा। तो इन चीज़ों को फॉलो करिए। ये जो 5 आसन मैं बताया हूँ, इसे आप अच्छी तरह से वीडियो के अनुसार फॉलो करिए और अपने उन दोस्तों को भी पहुँचाइए जिनको लगता है कि इसकी ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों के साथ शेयर करिए ताकि उनको बहुत फ़ायदा हो। देखिए, ये हमारे सनातन धर्म का, ये हमारे नॉलेज है, विजडम है, जिसको हमको शेयर करना है। वी डोंट हैव टू गो एंड रन बिहाइंड द मेडिसिन एंड पिल्स। डॉक्टर्स के पास आप जाएंगे, डॉक्टर ये कहेंगे ये मेडिसिन ले लो, ये कर लो, वी डोंट वॉन्ट दैट। यू नो, शरीर का सबसे बड़ा जो मजबूती है आपकी खुद की है, जिसमें आप खुद से उसको मजबूत बनाते हैं अपने प्रैक्टिस से, आपके अभ्यास से, तब जाकर आपको इसका लाभ मिलता है। तो इन अभ्यासों को करिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस प्रैक्टिस पर लगातार बने रहिए। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।